हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। खास क्या है, क्या सीखने वाले हैं, आइए आपको दिखाता हूं। ये देख सकते हैं यहां पर ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब इसको मैं एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड भी कर देता हूँ ताकि आपको ठीक ठीक दिखाई पड़ेगा। ये देखिए ना, ये डिफरेंट टाइप नहीं दिख रहा है आपको, ये थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है। अब ये दोनों सेल्स को मर्ज कराना है तो मर्ज तो आप करा ही सकते हैं, मर्ज कराने में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम बात करेंगे इसकी। यहाँ पर देखिए, ये बीच में ये लाइनिंग कहाँ से आ गई, ये सवाल है। तो अभी इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे ये कुछ इस तरीके से लिखा गया, और ये लाइनिंग जैसे ही एंटर करेंगे ये बीच में ये लाइनिंग बन जा रही है। ये लाइनिंग कहाँ से आई, आइए चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं। सेम डेटा मैंने कॉपी किया है, आप देख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको मैंने कैसे लिखा, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये पेज लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ अल्ट के साथ आपको प्रेस करना है एंटर। तो जैसे ही अल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे आप, तो आप उसी सेल में नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं, अल्ट के साथ एंटर प्रेस किया तो उसी सेल में मैं नीचे आ गया, ओके। अब यहाँ लिख लेता हूँ डीओबी, यानी डेट ऑफ बर्थ, दोनों चीजें लिखी हुई हैं। अब हम चाहते हैं बीच में एक डिवाइडर जैसा बन रहा था वो बन जाए, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको फॉर्मेट सेल्स ओपन करना है। तो राइट क्लिक कीजिए या कंट्रोल के साथ वन बटन, अल्फा न्यूमेरिक की वन बटन प्रेस कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेट सेल्स पे चलता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो आपको अलग अलग चीजें दिखाई पड़ेंगी, लाइक ये है, अलग अलग चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। ये आउटलाइन है, यहाँ पर आऊंगा तो इस तरीके से, और ये देखिए यहाँ पर ये दोनों चीजें दिखाई पड़ेंगी। यही वाला मैंने बनाया है, आप अगर ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिलहाल हमें इसे नहीं बनाना, हमें ऐसा ही बनाना है, तो अभी हम इस पे ओके करते हैं। तो अब ये देख सकते हैं ये इस तरीके से आ गया है, बीच में लाइनिंग तो आ गई, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो लाइनिंग आई हुई है, ये लाइनिंग दोनों को डिवाइड करे, यानी कि डीओबी नीचे आए और एज ऊपर आए। इसके लिए क्या करना है, फिर आपको ऑल्ट और एंटर प्रेस करना है, एक बार और प्रेस किया। अब आप देख रहे हैं कि ये डीओबी नीचे थोड़ा सा आ गया है। अब आप यहां पर कर्सर को रख लीजिए, यानी कि एट द वेरी लेफ्ट साइड, और यहां से स्पेस बार प्रेस करते हुए चलिए, थोड़ा सा स्पेस इस तरीके से आप स्पेस दे दीजिए। अब देखिएगा कि ये यहां पर आ गया है, ठीक है। अब फिर एक बार यहां पर आता हूं, अब देखिए यहां पर आप अल्ट के साथ एंटर फिर से प्रेस कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो थोड़ा सा और स्पेस दे देंगे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं ये उधर नहीं जा रहा है, तो यहां से आप इसको अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये अलाइन कर देंगे तो काम हो जाएगा, और यहां से इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे या इसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए ये दोनों बराबर हो चुका है, मतलब कि जैसा आपको दिख रहा था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी डेटा आ गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अब ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, दोनों डेटा सेम है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।